हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी हो गया है। जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो आपका आ गया है। कई सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, जैसे ही आपका लिस्ट आया डैशबोर्ड में जाके देख रहे हैं इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ। बिल्कुल यहाँ पर मैंने देखा कुछ कोर्स के अंदर ड्यू से ज़्यादा बीएचयू का कट ऑफ यहाँ पर गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेस अभी नज़र आ रहे हैं जिनमें कट ऑफ जो है पिछले सालों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हाई कट ऑफ जा रहा है। तो आप लोगों को कट ऑफ का कैसे पता चलेगा वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को आ रही है, पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं कि जब आप लोग यहाँ पर डैशबोर्ड में जाएंगे और जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा है, ना आपके मोबाइल नंबर पे आ रहा है और ना ही शायद ईमेल पे आ रहा है। तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट को आ रहा है, उनका ओटीपी नहीं आ रहा है। मैं 3-4 कैंडिडेट का लगा के चेक कर चुका हूँ, नहीं आ रहा है ओटीपी, ठीक है। तो मे भी उनके सर्वर के एंड से प्रॉब्लम होगी, ये वीडियो बनाने के कुछ देर बाद में हो सकता है सही हो जाए, एक आध घंटे बाद में सही हो जाए, लेकिन एटलीस्ट वो सही हो जाएगा एंड में जाके, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, आपका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो कट ऑफ है वो आप लोग कैसे यहाँ पर देखेंगे। तो जब आप लोग अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके नीचे लिखा हुआ है कट ऑफ का, ठीक है, उसके नीचे कट ऑफ का लिखा हुआ है, व्यू कट ऑफ का जो है उसमें लिखा हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करते हो, उस पर ओके आप लोग करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। हो सकता है आपको ये दिखे नहीं क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ कॉलेजेस के नाम वगैरह शो कर रहे हैं। एक चीज़ ये कि जैसे आप मान लीजिए कि ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपके डैशबोर्ड में केवल ऐसी का जो कट ऑफ है वो बताएगा कि किस कॉलेज का कितना यहाँ पर कट ऑफ गया है। यहाँ पर देखिए C1 आ रहा होगा, ये जैसे मैंने EWS का देखा है, ठीक है, यहाँ जो है C2 आ रहा है। तो C1 आपके नॉन ड्यू एंड C2 जो है आपके ड्यू वाले। तो यहाँ पर आगे इनका कट ऑफ दिया हुआ है और इधर राउंड, तो राउंड तो अभी फिलहाल फर्स्ट ही है। तो इधर आप देखिएगा ये जो तीन इसमें आपको दिख रहा है 1, 2, 3 करके, तीन वाला आप जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो कितना गया है। पॉलिटिकल साइंस का जो है वो जनरल का 210 प्लस यहाँ पर जा रहा है, EWS का आई थिंक 218 प्लस यहाँ पर जो है वो जा रहा है, SC का आई थिंक 187 जो है वो यहाँ पे जा रहा है। ओके, ये नॉन ड्यू स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ड्यू वाले स्टूडेंट के तो यहाँ पर कम ही गया है। वैसे जो NCVAP का है, NCVAP का और भी यहाँ पर कम कट ऑफ गया, लेकिन वो तो केवल जो दिल्ली की गर्ल्स है उनको ही मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा, ये मैंने मोटा मोटी चेक किया, अभी कन्फर्म नहीं, हो सकता है ऊपर नीचे एक आध नंबर हो, लेकिन मैंने मोटा मोटी चेक किया जनरल के स्टूडेंट का तो 210 पे मिनिमम जो है वो मिल रखा है और हाईएस्ट आई थिंक 241 के आसपास है। तो और बाकी OBC में 255 भी है। तो हाईएस्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो कट ऑफ है इसका वो काफ़ी ज़्यादा गया है। अब देखिए जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो आपका और रहेगा, सीट अलॉटमेंट वाला। अब उसमें आप लोग देखेंगे कि इधर आपको डिपार्टमेंट लिखा रहेगा, जो कॉलेज मिला है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा जो आपको कॉलेज मिला है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कैटेगरी बताएगा, आपका कैटेगरी और आपको चॉइस कौन सा मिला है वो यहाँ पर बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है अलॉटमेंट सीट नॉट एक्सेप्टेड बाई एप्लीकेंट, तो यहाँ घबराना मत। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था कि सर ये क्यों बता रहा है, तो भाई ये इसलिए बता रहा है क्योंकि तूने आपने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया सीट को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट अलॉटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके और जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। अब गलती मत करना, ठीक है, गलती मत करना, अगर आपको सीट अलॉट हुआ है और आपको एडमिशन लेना है तो आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अब दूसरे वो स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी JNU में हो गया है, ऑलरेडी BHU में हो गया है और उनको BHU में रहना है, BHU वालों को JNU में, JNU वालों को रहना है, तो भाई क्यों आप ख़राब कर रहे हो उन स्टूडेंट को जिनका सेकंड लिस्ट के अंदर नाम आना है। आपको मिल गया JNU में, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे सीट को तो ड्यू वाले तो यही सोचेंगे कि ये लेना चाहता है, इंटरेस्टेड है, आगे प्रोसेस वो करेंगे, आपको बाद में फी पे का भी ऑप्शन आएगा जैसे जैसे आप प्रोसेस करोगे। अगर आप प्रोसेस नहीं करोगे तो फिर वो आपका नहीं आएगा। तो अगर आपका कहीं पे भी नहीं हुआ है, ड्यू में ही हुआ है, तो आप बिल्कुल अपना सीट एक्सेप्ट करिए, ठीक है, आप एक्सेप्ट करिए यहाँ पे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो है उनका वेरिफिकेशन होगा एंड वो डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, कॉलेज के थ्रू जो भी आपको मिला है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा।
तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, कट ऑफ के लिए देखिए आपका जो भी कैटेगरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, अच्छे से मेंशन करिए, तो आपको कट ऑफ का जो है सबको यहाँ पर पता चल जाएगा। मैं कमेंट सबके रीड करूँगा, ठीक है। आप अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कैटेगरी लिखिए, ठीक है, और आपकी कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स लिखिए, वो आपको पता चलेगा। वन वाले पे करोगे तो हाईएस्ट आपको पता चल जाएगा, थर्ड वाले पे चेक करोगे मिनिमम आपको पता चल जाएगा। तो आपको हाईएस्ट लिखना है, आपकी कैटेगरी में हाईएस्ट कितना है और मिनिमम जो यहाँ पर एडमिशन हुआ है वो कितने पे आपका हुआ है, मतलब कैटेगरी में हुआ है, ठीक है। तो ये आपको चेक करके और सब्जेक्ट वाइज जो है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि अब इन्होंने क्या एक्चुअली वेबसाइट पे तो डाला नहीं है और ना ही जो है यहाँ पे एक ही लॉगिन करके कि भाई सबका जो है हम एक साथ चेक कर ले, ऐसा भी नहीं किया है। अब एससी का स्टूडेंट है तो एससी का ही देखेंगे, अब कहाँ से ओबीसी का स्टूडेंट को पकड़ के लाए, जनरल के पकड़ को लेके आए, ठीक है। तो अब भाई सबका अपना अपना अलग अलग सीन है, तो आप क्या करिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा कि सेकंड लिस्ट के अंदर आपका बनेगा या फिर चांस नहीं बनेगा। हालांकि मैंने बोला है यहाँ पर जिनका ऑलरेडी हो रखा है जेएनयू या फिर बीएचयू में और उनको लेना भी वही है, तो फिर वो नहीं शायद एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, तो जो सेकंड लिस्ट है वो आपका थोड़ा कम जाने का चांस है गाइस। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद करके ये चीज़ लिखिए, अपना सब्जेक्ट और आपका हाईएस्ट मार्क्स सब्जेक्ट के अंदर आपका नहीं, मतलब कट ऑफ में कितना गया है वो और मिनिमम कितना गया है वो, ठीक है, और मिनिमम पे कॉलेज कौन सा मिला है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं गाइस। ओके, सारे स्टूडेंट अपने अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर मेंशन करेंगे, बाकी अगर आपको कुछ पूछना है पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर वहाँ पर आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी कट ऑफ यार पूछो मत, हाई पे हाई जा रहा है, जेएनयू के बाद उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी फर्स्ट कट ऑफ बहुत हाई गया है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई गया है। पॉलिटिकल साइंस का बात करूं तो नहीं हो पाया है, जिनका कम नंबर था नहीं हो पाया है, 210 वालों का जनरल में ऊपर जिनका है उनका जाके यहाँ पे हो रहा है। एससी के अंदर भी पहले जिनके नंबर पिछले साल कम थे हो गया था एडमिशन, लेकिन इस साल नहीं हो पाया है, लेकिन देखते हैं सेकेंड लिस्ट के अंदर क्या सीन बनता है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।